Hello student, welcome to my English class. This is Sachin Sangwan here and today we are going to learn a very important poetry of your syllabus, that is My Mother at 66 composed by Kamala Das. इस poetry में poetess ने human being की complex relationships के बारे में बात करी है और इसमें poetess हमें बताती है कि कैसे one day जब अपनी mother के साथ drive कर रही होती है तो उनको देख कर उनको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, ग्रीफ फील होता है, बिकॉज उनकी मदर की बहुत ज़्यादा एज हो चुकी होती है और दैट टाइम उनको वो रियलाइज़ हो जाता है कि उनकी मदर की डेथ होने वाली है. बहुत ओल्ड हो जाए होने के बाद वो उनकी मदर जो है वो उनसे सेपरेट हो जाएगी और ये जो पेन, ये फीलिंग होती है उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है. सो विच काइंड ऑफ फीलिंग्स, विच काइंड ऑफ थॉट्स वॉज कमिंग इन हर माइंड एट दैट टाइम, वी विल डिस्कस ऑल दोज. सो लेट्स स्टार्ट द पोएट्री. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे morning I saw my mother beside me, doze, open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting and merry children spilling out of their homes. Incident kya hai, poetess jo hai kuch time se apne parents ke ghar thi और लास्ट फ्राइडे जो वो पोइट्री लिखती है उसे लास्ट फ्राइडे दैट टाइम शी वॉज कमिंग बैक फ्रॉम द पेरेंट्स होम, फ्रॉम हर पेरेंट्स होम वो वापस आ रही होती है अपने पेरेंट्स की होम से जो कोचीन में होता है और वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही होती है. दैट टाइम आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी एंड वो जब ड्राइव कर रही होती है तो उनकी मदर उनके साइड में बैठी हुई होती है और एट वंस उनकी नज़र अपनी मदर पर पड़ती है. वेन शी सॉ हर मदर विच काइंड ऑफ फीलिंग्स कम्स इन हर माइंड. सी डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. जब अपनी मदर को देखती हैं तो उनकी मदर कैसी कर रही होती है, उनकी मदर क्या कर रही होती है, इन विच सिचुएशन हर मदर वॉज. उनकी मदर डोजिंग कर रही होती है, इट मीन्स शी वॉज टेकिंग अ लिटल नैप. उनकी मदर सो रही होती है. एंड हाउ वॉज हर फेस, हर माउथ वॉज ओपनड. उनका जो मुँह है वो खुला हुआ होता है दैट टाइम. और वो वहाँ जो पोएटेस अपनी मदर को देखती है इतनी ज़रा स्टिल उनकी मदर नज़र आती है कि वो अपनी मदर को किससे कंपेयर करती है. She compared her mother with a dead body. See here, her face ashen like that of a corpse. And what the corpse means? Corpse का मतलब क्या होता है? That is dead body. Corpse means dead body. तो यहाँ अपनी mother की जो stillness है, जिस तरह से वो सोई हुई हैं, open mouth है और कुछ movement नहीं कर रही हैं, तो poet उनको dead body से compare करती हैं. See the next one. And realized with pain that she was as old as she looked. और उनको पेन रियलाइज़ होता है. उनको एक पेन क्यों रियलाइज़ हो रहा है, बिकॉज उनको जैसे ही पता लगता है कि उनकी मदर की एज हो गई है तो उनको लगता है कि थोड़े टाइम बाद उनकी मदर की डेथ हो जाएगी और वो उनसे बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, दूर चली जाएंगी. तो पेन जो होता है वो उनको रियलाइज़ होता है इस तरह का. और उनको अपनी मदर की उतनी ही एज नज़र आती है जितनी वो एक्चुअल में है. एंड व्हाट द एज ऑफ द मदर, दैट इज़ 66. व्हाट द एज ऑफ द मदर, इट इज़ 66 दैट टाइम. तो यहाँ पर उनको पेन नज़र आता है सेपरेशन वाला. द शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक बट सून पुट दैट थाट अवे. बट अचानक से वो क्या करती है, उस फीलिंग से, उस पेन से बाहर आने के लिए वॉट शी डिड, शी वॉन्ट टू पुट दैट थाट अवे. उस थाट को वो बाहर, उस थाट से वो अलग हो जाना चाहती है. एंड फॉर दैट वॉट शी डिड, शी सॉ आउटसाइड द विंडो ऑफ द कार. वो कार की विंडो से बाहर देखती हैं. एंड वॉट शी सॉ, लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. तो क्या देखती हैं, टू इमेजरी शी वॉज सीइंग, फर्स्ट इज ट्रीज प्रिंटिंग एंड सेकेंड वन इज चिल्ड्रन स्पेलिंग. एक इमेजरी जो वो देखती हैं वो होती है ट्रीज प्रिंटिंग की. सो मैनी टाइम्स यू हैव सीन, जब भी हम ड्राइव करते हैं तो क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे ट्रीज पीछे की तरफ जा रहे हों. ट्रीज आर रनिंग बैक साइड, दिस काइंड ऑफ इमेजरी वी सॉ. सिमिलरली हियर गिवन ट्रीज स्प्रिंटिंग. तो यहाँ पे ट्री प्रिंटिंग वाली जो इमेजरी है वो पोएटेस देखती है. और जब वो ऐसा देखती है तो वो यहाँ पे फील करती है, वो क्या फील करती है कि जो उसकी मदर है वो ओल्ड एज में है और टाइम जो है वो कैसे बहुत फास्टली पास ऑन होता जा रहा है और उसकी मदर की एज जो है वो बढ़ती जा रही है. तो यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में पोएटेस ने इसको इमेजरी को यूज़ किया है. एंड हियर मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग. उनकी मदर कैसी है, यहाँ पर यहाँ भी कंट्रास्ट गिवन है. मदर जो है बहुत एज हो गई हैं और वो बहुत लिस्टलेस नज़र आ रही हैं, डोजिंग कर रही हैं. बट जो बच्चे हैं दोज आर वेरी एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक और फुल ऑफ एनर्जी हैं. वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को. यौथ को यहाँ पर शो किया गया है और यहाँ पे कंट्रास्ट दिखाया गया है एक यंग एज में और एक ओल्ड एज में.
क्लियर अप टू हियर? लेट्स सी द पोएट्रिक डिवाइसेस नाउ. सी हियर, एशन लाइक दैट, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ कंपैरिजन हुआ है मदर की फेस की जो स्टिलनेस है उनको डेड बॉडी से कंपेयर करा गया है, कॉर्प से कंपेयर करा गया है और लाइक यूज हुआ है. सो वेर एवर वी यूज लाइक टू कंपेयर समथिंग देयर विल बी सिमिली. तो कौन सा फिगर सोर्स पीछे यहाँ पर होगा? हेयर विल बी सिमिली. सिमिली विल बी हेयर. स्पेलिंग शुड बी इन योर माइंड ऑलवेज. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट राइट स्माइल एट प्लेस ऑफ सिमिली एंड दैट ऑलवेज कंसिडर्ड रॉन्ग. कई बार बच्चे क्या करते हैं, स्माइल लिखाते हैं सिमिली के प्लेस पर, तो एक जस्ट एक लेटर की वजह से आपकी पूरी स्पेलिंग रॉन्ग हो जाती है और आपको वो मार्क जो मिलने वाला होता है वो नहीं मिलता. सो डोंट रिपीट दिस काइंड ऑफ मिस्टेक एंड बी केयरफुल वेन एवर यू आर राइटिंग द स्पेलिंग ऑफ सिमिली. ध्यान रखें आप. तो जहाँ भी आपको एज लाइक सो नज़र आए देयर विल बी सिमिली. सी द नेक्स्ट वन, ट्रीज स्प्रिंटिंग. स्प्रिंटिंग एज आई टोल्ड यू, रनिंग बैक साइड, पीछे की तरफ दौड़ना, पीछे की तरफ दौड़ते हुए नजर आना, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंटिंग. बट रनिंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ ट्रीज. ट्रीज आर स्टिल एट वन प्लेस, ट्रीज एक स्टिल करते हैं एक प्लेस पर और रनिंग नहीं करते हैं. तो यहाँ पर वट विच काइंड ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर? पर्सनिफिकेशन. हियर विल बी पर्सनिफिकेशन. ट्रीज स्प्रिंटिंग पर्सनिफिकेशन. आई होप अप टू हेयर इज वेरी क्लियर टू यू. और रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग.